हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के 10 मई के फर्स्ट शिफ्ट के सभी रियल प्रश्न आ चुके हैं, तो आइए पेपर का फुल एनालिसिस करते हैं। और बात करें फ्रेंड्स पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना था कि पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का आया था, और बहुत स्टूडेंट का कहना था कि पेपर बिल्कुल ही लेंदी था। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो उलझाने वाले थे, तो आइए उन सभी सवालों को देखते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। आइए देखिए पहला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो एरिया में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पड़ोसी देश कौन सा है, तो चीन सबसे बड़ा पड़ोसी देश है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये ऐसा सवाल था, ये इजी था, डुएबल सवाल था, आप इसको आराम से कर सकते थे। अगला प्रश्न, 2016 के घोषणा अनुसार प्लास्टिक मुक्त भारत कब बनेगा। तो देखिए करंट भी पूछा है, सो कब का पूछा है, 2016 का पूछा है, तो जो दिमाग लगा पाएंगे जो स्टूडेंट वो इसका जवाब दे पाएंगे। तो भारत, और उसमें ऑप्शन दे रखा था 2020, 2021, 2022, 2023, ये सारा रिव्यू स्टूडेंट से लेने के पश्चात पता चला है कि ये ऑप्शन था, तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा 2022 में भारत प्लास्टिक मुक्त बन जाएगा, ये भारत का लक्ष्य था 2016 के घोषणा अनुसार। अगले सवाल पर चलते हैं, क्या पूछा था, देखिए गंगा से नदी से आज दो सवाल पूछ लिया गया था। कि पहला क्या पूछा था, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो जैसा ऑप्शन से पता चला उसमें एक ऑप्शन था सतलज, तो सतलज जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये ऑप्शन से आपको चूज करना था। एक और गंगा से क्या पूछा था, इनमें से किस राज्य में गंगा नहीं बहती है, तो ऑप्शन के अनुसार उसमें एक मध्य प्रदेश राज्य था, तो मध्य प्रदेश में गंगा नहीं बहती है, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। जो स्टूडेंट इसका मध्य प्रदेश लगाएंगे उसका करेक्ट आंसर होगा। और क्या क्या पूछा था, देखिए करंट का सवाल है, फिर मैं बता रहा हूँ कि करंट का सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया था, 10 से 12 सवाल करंट का पूछा था, और इकोनॉमिक्स का भी 3 से 4 सवाल इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिल रहा है, और कंप्यूटर से भी 2 से 3 सवाल कंप्यूटर के भी सवाल ये देखने को मिले हैं। तो एयरफोर्स का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो V.R. चौधरी वर्तमान में एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं। आप कमेंट करके बताइए कि एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न था, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, ये इसका राइट आंसर है। ये आर्टिकल से भी सवाल हर शिफ्ट में 1-2 सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है, मौलिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो किन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद मीन्स ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, ये देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल है और कितना डीप में पूछा है, तो जो इसका डीपली स्टडी किए होंगे थियोरिटिकल वही इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो जैसा स्टूडेंट से रिव्यू लेते हुए पता चल पाया कि उसमें एक ऑप्शन था जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं मूल्यह्रास, तो इसका ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली का आयोजन कब हुआ था। तो देखिए सवाल कैसा कैसा पूछ लिया गया, इस तरह के सवाल स्टूडेंट बहुत कम ही पढ़ के जाते हैं, बहुत कम ही लोगों को इस तरह का जवाब पता होता है। तो देखिए उसमें ऑप्शन जो पता चल पाया हमको वो एक था, उसमें 1829, 1849 और 1803, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1849 में परमहंस मंडली का आयोजन महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। अगला प्रश्न है, अलकप नृत्य झारखंड और किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए नृत्य भी डांस भी पूछ लिया गया, सो कैसा पूछ लिया, अलकप नृत्य जो कभी पढ़े नहीं होंगे वैसा पूछ लिया है, तो अलकप नृत्य झारखंड और पश्चिम बंगाल से ये नृत्य संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, WTO की अध्यक्ष नागोंजी ओकोंजा इवेला किस देश से है। तो नागोंजी ओकोंजा इवेला नाइजीरिया से है, और WTO की स्थापना कब हुआ है, 1995 में हुआ है, 1995 में, तो ये इजी सवाल था, डुएबल था, ये इसको स्टूडेंट कर पाए होंगे। अगला सवाल क्या पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है भारत का, तो ये सवाल पूछा था, तो आप इसका जवाब होगा कितना, 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर इसका डेंसिटी था भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, डिस्ट्रिक्ट या जिसको बोलते हैं सेशन कोर्ट की जज की नियुक्ति कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट में लेवल में जो जज की नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला सवाल पूछ लिया था, लाल किले
को यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया था? जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट दिल्ली का, वो यूनेस्को में कब शामिल हुआ था ये पूछा था। तो ये थोड़ा सा सवाल ध्यान में रखने लायक सवाल था, ये कब शामिल हुआ है, 2007 में रेड फोर्ट यूनेस्को में शामिल हुआ है, तो इसका राइट आंसर 2007 हो जाएगा। और क्या क्या सवाल पूछा है देखिए, प्रयागराज सांस्कृतिक केंद्र कब बना था, ये देखिए कैसा सवाल पूछ लिया गया, इस तरह का सवाल बहुत ही कम स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं तो इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका पूछ लिया था कि प्रयागराज सांस्कृतिक केंद्र कब बना था, तो 1986 में ये बना था प्रयागराज सांस्कृतिक केंद्र। नेक्स्ट सवाल पूछा था, इनमें से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, तो अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा, तो उनमें से ऑप्शन था ये गामा किरणें, तो गामा किरणें की भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर गामा किरणें हो जाएगा। और प्रश्न देखिए क्या क्या पूछ लिया गया था, ये सारा सटीक सवाल है जो जो पूछे गए हैं, तो देखिए सवाल वही दिमाग में याद रहते हैं विद्यार्थी को जो जिसका जवाब वो दे पाते हैं, या तो जो वन लाइनर उसका जवाब दे पाते हैं और वो दिमाग में सवाल रहता है, तो रिव्यू लेते समय पता चल जाता है कि कौन सा सवाल आया था। सवाल क्या है, एमएस वर्ड में न्यू पेज ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कंप्यूटर का सवाल है, तो एमएस वर्ड में न्यू पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न पूछ लिया था, प्रधानमंत्री ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा कब की है, तो ये सवाल पूछ लिया गया था कि कब ये हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा की थी, 15 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है, तो ये सवाल पूरा नहीं पता चल पाया कि ये सवाल क्या है, जिसको भी पता होगा ये सवाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब रिव्यू लेते समय इतना ही पता चल पाया कि पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला, तो ये कब मिला है और किससे संबंधित है ये नहीं पता चल पाया। अगर ये 2021 से संबंधित होगा कि पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण अवार्ड 2021 मिला है, तो ये अगर ये सवाल होगा तो इसका राइट आंसर सेल हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा था, एक बुक एंड ऑथर से भी सवाल पूछ ले रहा है कि स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जवाब है दिव्या दत्ता, स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर किस राज्य में बनाई गई है, तो टिहरी बांध जो है सो भागीरथी नदी पर किस राज्य में बनाई गई है, उत्तराखंड में बनाई गई है, और टिहरी नदी बांध जो है सो भारत की सबसे ऊंची बांध है, सबसे ऊंची बांध है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, सबसे ऊंची बांध है, और टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है, तो ये इजी सवाल था और डुएबल सवाल था। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ये आपका बायोलॉजी से सवाल था, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो ग्रेगरी मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल क्या पूछ रहा था, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए क्या शुरू किए थे, तो देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी ने, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चोल काल में मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, तो चोल शासन में जब होता था उस समय जब मंदिरों के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी तो उसको क्या कहा जाता था, तो ये सवाल आपका पूछा गया था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, उसको ब्रह्मदेय कहते हैं। तो ये वो सवाल थे, केवल 24 प्रश्न ही मिल पाए हैं और सारे प्रश्न तो डिफिकल्ट लेवल के थे, वो सवाल आज भी नहीं थे स्टूडेंट को पूछने पर, पता भी नहीं चल पा रहा था कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये कुछ सवाल थे जो आपको बताना था, मैंने बता दिया, आप देख सकते हैं कि किस लेवल का सवाल था, जो इजी ये सारा सवाल था, जो याद होने लायक था ये सारा सवाल, और बाकी बात जो थे वो सारे मॉडरेट टू टफ लेवल के सवाल थे, जो कि याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है और जो कि स्टूडेंट से रिव्यू लेते समय नहीं पता चल पाया उस सवालों को। तो चलिए अगली शिफ्ट की जो सेकेंड शिफ्ट हुआ है 10 मई को, वो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा आपके सामने, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।